हेलो दोस्तों, इंडियन फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड कस्टर्ड डिज़र्ट। यह केवल 15 मिनट में ही तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड कस्टर्ड बनाना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ ब्रेड स्लाइस लिए हैं 5, जिसे मैंने 4 हिस्सों में कट कर दिया है। इस ब्रेड के किनारे मैंने कट नहीं किए हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। आपको गैस फ्लेम मीडियम आंच पर ही रखना है। घी गर्म होने पर हमें ब्रेड के जो पीसीस हैं उसमें ऐड करने हैं, मतलब अच्छे से उसको लाइट ब्राउन होने तक भूनने हैं। आपको इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, मतलब ज़्यादा सेकना नहीं है, इसे लाइट ब्राउन ही करना है, क्योंकि ज़्यादा सेकने पे ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और जब हम इसे मॉइस्चर करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। सारी ब्रेड के स्लाइस जब अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर उसी कढ़ाई में जब घी है उसे खाली कर दें, और उसी कढ़ाई में खाली कढ़ाई में 2-2 कप फुल क्रीम दूध डालेंगे। ये दूध कम से कम 0.5 लीटर है। साइड में मैंने 1 पाव कप जितना दूध अलग से निकाल लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भरकर वैनिला कस्टर्ड डालूँगी। दूध में उबाल आ जाने पर इसमें वैनिला कस्टर्ड जो आपके पास है उसे हिला कर डालें और लगातार इसको हिलाते रहें, वरना इसमें लम्स आ जाते हैं। कस्टर्ड अच्छी तरह खोल जाने पर मैं अब इसमें स्वादानुसार चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छे से कुक कर लेना है। इसे गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें ब्रेड स्लाइस डालना है, इसलिए इसे पतला ही रहने दें। 4-5 मिनट इसे पकने के बाद गैस फ्लेम को ऑफ कर दें। अब इस मिक्सचर को आप किसी भी बाउल में, डिश में या किसी भी बर्तन में निकाल लें। अब ब्रेड की स्लाइस जो है आपके पास उसको आप धीरे धीरे इसमें डालते रहें। मैंने इसे पूरी तरह डिप नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा यह क्रंची रहे इसलिए इसे थोड़ा बाहर रख। यह देखें, सारे ब्रेड स्लाइस मैंने यहाँ ऐड कर लिए हैं। अब हम इस पर गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए आप किसी ड्राई फ्रूट, टूटी फूटी, जेली, चौको, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ मैंने टूटी फूटी, चेरी, बादाम ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम 1 घंटा फ्रिज में रख देंगे। चिल होने के बाद निकालने पर यह और भी अच्छा लगेगा। तो यह बहुत आसान सी रेसिपी है। हमेशा की तरह आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।